सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर वीवो अपना एक नया स्मार्टफोन फिर से यहाँ पर लॉन्च करने वाला है और ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर वीवो की यू सीरीज का होने वाला है और ये स्मार्टफोन है यहाँ पर वीवो का U3। ये जो स्मार्टफोन है वो आपको यहाँ पर 8 से 9 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया में और इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और ये जो स्मार्टफोन है वीवो के U10 से भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इसी नए स्मार्टफोन के सभी कन्फर्म फीचर्स के बारे में, साथ में बताऊँगा कि ये जो स्मार्टफोन है वो कब तक यहाँ पर और कितने प्राइस तक ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पर इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करता हूँ इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की, बात करता हूँ डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको 6.53 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले विद वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और बात करता हूँ अगर मैं यहाँ पर इस स्मार्टफोन की और भी डिटेल की, अगर मैं बात करता हूँ इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 675 का प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और इसके साथ यहाँ पर आपको इसकी स्टार्टिंग वेरिएंट से आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस स्मार्टफोन के और भी डिटेल की, बात करता हूँ कैमरे की, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बैक कैमरे की, तो ट्रिपल रियर कैमरा बैक की साइड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो मेन सेंसर दिया गया है वो है 16 मेगापिक्सल का, प्लस एक और कैमरा यहाँ पर दिया गया है जो कि है 8 मेगापिक्सल का, प्लस एक और कैमरा यहाँ पर दिया गया है जो कि है 2 मेगापिक्सल का। अगर मैं बात करता हूँ इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे के बारे में, तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको इस स्मार्टफोन में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ इस स्मार्टफोन की और भी डिटेल की, बात करता हूँ बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो 5000 mAh की बैटरी आपको इस स्मार्टफोन में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको आउट ऑफ द बॉक्स इस स्मार्टफोन में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पर दिया रहेगा जो कि पीछे की साइड आपको अवेलेबल होगा और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर नॉर्मल सेंसर्स होते हैं जो कि सभी स्मार्टफोन यहाँ पर आते हैं वो सारे सेंसर्स आपको इस स्मार्टफोन में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, ये थे कुछ फीचर जो कि यहाँ पर आपको वीवो के U3 में यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इस स्मार्टफोन के लॉन्च डेट के और प्राइस के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर 20 दिसंबर के आसपास यहाँ पर लॉन्च कर दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर अभी एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि 20 दिसंबर के आसपास ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर लॉन्च हो सकता है। बहरहाल, यहाँ पर कोई भी कन्फर्म न्यूज़ नहीं है कि ये जो स्मार्टफोन है कितने तारीख को यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। अब देखना यह कि ये जो स्मार्टफोन है वो कब तक यहाँ पर लॉन्च किया जाता है इंडिया में। और दोस्तों, मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस यहाँ पर होने वाली है वो एक मिड रेंज स्मार्टफोन ये यहाँ पर होने वाला है और यहाँ पर इस स्मार्टफोन की जो प्राइस रखी गई है वो यहाँ पर 8 से 9 हज़ार रुपये के बीच में ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, ये था कुछ इस वीडियो में, आशा करता हूँ छोटी जानकारी को समय आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट से जो कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।